दोस्तों इनसे मिलिए टेढ़ा गांव के सुप्रसिद्ध व्यक्ति सौरभ रावत, सभी के प्यारे दुलारे और हमारे चीतल। एक दिन शाम को अचानक कॉल आया, उज्जवल भाई घूमने चल रहे हैं। मैंने बोला चलो। हमें नहीं पता था कि हमारी रैंडम घुमाई जीवन की सबसे एडवेंचरस घुमाइयों में से एक बन जाएगी। क्या हुआ आगे जाकर, नीचे कमेंट में मैंने एक लंबी वीडियो डाल रखी है, उसे देखो। अचानक से व्यक्ति मुझे बाघ दिखाने का दावा करने लगता है। वो दावा कुछ ऐसा होता है कि वो हकीकत में बदल जाता है आगे जाके। हमने तो सिर्फ एक रैंडम सा रास्ता पकड़ा होता है और सिर्फ हम देखना चाहते थे सनसेट होते हुए, लेकिन अचानक से रास्ते में कुछ ऐसा जबरदस्त हो जाता है कि वो मेमोरेबल बन जाती है वो जर्नी हमारी। वो मेमोरेबल जर्नी को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास भी किया जाता है, लेकिन कहते हैं ना, मोमेंट था भाई, मोमेंट था, निकल गया। फिर हमने सोचा यार क्यों ना प्रकृति की ठहरी हुई सुंदर खूबसूरती से ही आपका मनोरंजन किया जाए। तो उस चक्कर में हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर, जहाँ सैम अपने बहादुरी के किस्से सुनाता है। बोलता है जब बाढ़ आ रही होती है तो मैं तैर कर उस पार निकल जाता हूँ। क्या बात, आप मानोगे इस चीज को। फिलहाल घूम फिर कर घर पहुंच गए और बाय बाय कर दिया अपने दोस्त सौरभ चीतल सैम को।